मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों, आपके सामने आ रही है एक बहुत बड़ी समस्या कि आपका क्लिकबैंक अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। कई सारे लोगों के समस्या आती है और दोस्तों मेरे भी आई थी, बट मैंने उसको कैसे फिक्स किया आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। ये वाली जो गलती है ना, ये सब लोग करते हैं। कौन सी गलती? ये क्रोम ब्राउज़र वाली गलती, ठीक है? इसको आप ध्यान से नोट कीजिए। ये अगर आप पीसी में कर रहे हो तो फिर मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि पीसी के लिए तो फायरफॉक्स ने भी बताया हुआ है। फायरफॉक्स का क्या है सिस्टम, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो फायरफॉक्स ने कहा हुआ है दोस्तों कि आप अपना जो ब्राउज़र है ना वो चूज़ कर सकते हो, ये तीन ब्राउज़र, उसमें से अगर आप पीसी में हो, पहला तो है क्रोम ब्राउज़र, दूसरा है ओपरा, और सबसे बेस्ट जो खुद क्लिकबैंक बताती है कि इसमें आपको कौन बनाना चाहिए, वो ब्राउज़र है फायरफॉक्स। हाँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल में हो ना तो आपका जो अकाउंट होता है ख़राब, वो होता है क्रोम ब्राउज़र की वजह से, क्योंकि दोस्तों क्रोम ब्राउज़र इतना अच्छा सपोर्टेबल नहीं है क्लिकबैंक के लिए। क्लिकबैंक एक ऐसी वेबसाइट है जो ज़्यादा सपोर्ट करती है फायरफॉक्स को, और दोस्तों मैंने अपना जो अकाउंट है ना क्लिकबैंक वाला, वो फायरफॉक्स में भी बनाया था। और जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है ये आपके लिए बहुत अच्छा ब्राउज़र साबित हो सकता है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना वो उसमें करते हो। तो ये सारी सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लिकबैंक की आगे आने वाली वीडियोज़ में। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको फिक्स करने का आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ना, वो यही है कि आपको आपके मोबाइल फ़ोन में क्या करना है। सबसे पहले तो ये क्रोम ब्राउज़र है ना, ये इसको डिलीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कई सारे बंदे के होंगे अब इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे, अब उनके सामने पता है क्या समस्या आएगी। देखिए मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास में कोई सा भी डिलीट का बटन नहीं आता है, ठीक है? इसको अगर आप देखोगे ना, इसको मैं क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पर हमको डिलीट का बटन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दोस्तों ये जो क्रोम ब्राउज़र होता है ये एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, ठीक है? किसी भी मोबाइल के अंदर, चाहे वो एप्पल का हो या फिर एंड्रॉयड का हो, कोई सा भी अगर आपके पास में फ़ोन है ना, क्रोम उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है और उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसको अनइंस्टॉल करने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाइएगा अपने जो प्ले स्टोर है ना इसमें, और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा फायरफॉक्स, ठीक है? जैसे ही आप ये सर्च कर लिया करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला ब्राउज़र आ जाएगा, ठीक है? अगर दोस्तों आपको मेरे पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे क्लिकबैंक का अकाउंट कैसे बनाए ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में दे दूँगा। मैं एंड स्क्रीन में ज़रूर दे दूँगा, तो आप क्या कीजिए उस वाली जो वीडियो है उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने आपको खुद का मेरा अकाउंट बताया है यार फायरफॉक्स ब्राउज़र में, ठीक है? अगर आपको देखना है ना मेरा अकाउंट, कि मेरा अकाउंट अभी तक भी सही सलामत है, और मैंने उसको लगभग एक साल हो चुका है दोस्तों बनाया, एक साल, ठीक है? और अभी तक भी मेरा अकाउंट सफिशिएंट चल रहा है, उसको बैन अभी तक भी नहीं किया गया है, और वो सस्पेंड होएगा भी नहीं दोस्तों, वो हमेशा से ही मेरे पास में रहेगा। और दोस्तों आप भी ऐसे ही अपना एक परमानेंट अकाउंट बना सकते हैं क्लिकबैंक का, ठीक है? उसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सिर्फ स्टेप्स फॉलो करनी है जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, अपना जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है ये ले लेना है। और कई सारे बंदों को ये लग रहा होगा कि मैंने पीसी में अकाउंट बनाया। दोस्तों मैंने पीसी में अकाउंट नहीं बनाया, आई नो मेरे पास में पीसी है, पर मैंने पीसी में अकाउंट नहीं बनाया था। मैंने जो शुरुआत करी थी वो मोबाइल से ही करी थी, और मेरे सामने भी वो वाली समस्या आई थी जो आपके आई है, ठीक है? पर मैंने दोस्तों बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम किया था, और यहाँ पर से सबसे पहले तो एक फायरफॉक्स ब्राउज़र को इंस्टॉल किया था, ठीक है? जैसे ही ये फायरफॉक्स ब्राउज़र हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में फिर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो मेरी वो वाली वीडियो है ना उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है आपको कि आपको फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है, ठीक है, इसके अंदर जाके क्या क्या चीज़ें करनी होती है और कैसे आपका अकाउंट बनता है। ओके, तो आप क्या कीजिएगा उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में आपको सिर्फ वही वाली प्रोसेस फॉलो करनी है, और जैसे ही आप वो वाली प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट सफिशिएंटली बन जाएगा, ठीक है? आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।